हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और ये केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी। और आज से हम आपका नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2021 और 2022 के लिए। स्पेशली मैं बात करूँगा क्योंकि अभी 2021 की परीक्षाएँ नहीं हुई हैं, तो उन बच्चों के लिए रिविज़न हो जाएगा पूरा। और जो बच्चे अभी 11th पास करके 12th में आए उनके लिए, यानी कि वो 2022 में पेपर देंगे, तो उनके लिए तो खासी यूजफुल है ही है ये। तो आप एक नया रजिस्टर ले लीजिए, उसमें आप नोट्स बनाते रहिएगा, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो, पूरा वीडियो को देखा करो, जितने भी नोट्स में इम्पोर्टेंट बातें बताई जा करें उनको अलग लिखा करो और थ्योरी को अलग लिखा करो, या फिर साथ ही साथ लिखते रहो। इम्पोर्टेंट पॉइंटों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐसे लिख दिया करो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका IIT नीट NDA एयरफोर्स जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जहाँ पर आपका टेक्निकल साइंस आती है, यानी कि जो अपर लेवल की साइंस आती है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम करेंगे और बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। और आपको अलग से एक्स्ट्रा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनसे ही काम हो जाएगा, इस तरीके की तैयारी चलेगी आपकी, राइट। तो आज आपका जो रसायन विज्ञान है 12th क्लास की, यानी कक्षा 12 की जो रसायन विज्ञान है आपकी केमिस्ट्री, उसमें पहला जो चैप्टर है वो है ठोस अवस्था। इसका इंग्लिश में रूपांतरण क्या है? सॉलिड स्टेट। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड स्टेट आपका यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट होगा सॉलिड स्टेट। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारी वीडियो सबसे डिफरेंट रहती है, सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे, तो इससे पहले पूरा हिस्ट्री के बारे में बाल की खाल निकालेंगे, यानी कि पूरा एकदम डिस्कस करेंगे जीरो लेवल से। तो सबसे पहले हमारा ठोस अवस्था यहाँ से स्टार्ट होगा, इस चैप्टर की जो बातें हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगी, यहाँ से आगे के टॉपिक्स। तो यहाँ से पहले ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो इतिहास वाला जो टॉपिक है, ये वाला, ये इसमें वो सारी बातें मिलेंगी जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सुनी होंगी। आप भी सोचोगे यार, मतलब रसायन विज्ञान में भी ऐसा कुछ था जो आपको आज तक पता ही नहीं है, राइट। चलिएगा, जो बच्चे 11 यानी कि जो 2021 की बोर्ड परीक्षा देंगे, उन्होंने यानी कि केमिस्ट्री का पूरा कोर्स कर लिया है, लेकिन आज उनको पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ था, मतलब कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें बहुत डीप में जाके हम पढ़ने वाले हैं। तो आज इस ठोस अवस्था से पहले ये सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान का इतिहास, रसायन विज्ञान की शाखाएँ, फिर द्रव्य क्या है और द्रव्य का वर्गीकरण, देन उसके बाद में आपका द्रव्य के वर्गीकरण में आती है एक अवस्था ठोस, फिर उसका अध्ययन करेंगे हम डीप में जाकर। तो इस चैप्टर का मतलब ये है, इंट्रो बहुत ज़रूरी रहता है कि हमको क्या करना है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमको क्या करना है, तो फिर आगे कैसे काम चलेगा, राइट। चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान, नॉर्मली केमिस्ट्री जो है आपका, वैसे केमिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया गया है, ये कैसे है, तो ये 11वीं क्लास की जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जब वहाँ पे आपका पूरा क्लियर करेंगे, यहाँ पर आपका इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिएगा, तो केमिस्ट्री, जैसा कि आपको पता ही चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, रसायन विज्ञान यानी कि रसायनों की विज्ञान, सिंपल सी बात है। रसायन मतलब पदार्थों की विज्ञान, तो मतलब रसायनों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायन यानी कि पदार्थों का, ठीक है, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं कि भैया पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बना है, उसमें क्या चीज़ है, उसकी संरचना कैसी है, वो किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करेगा तो फिर क्या दूसरा यानी कोई नया तीसरा पदार्थ क्या बनाएगा। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। और वैसे केमिस्ट्री से नाम पता चल रहा है आपको, केमिकल्स का अध्ययन, सिंपल सी बात है, यानी रसायनों का अध्ययन। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं हम, पदार्थों का अध्ययन करते हैं, यानी कि पदार्थों का कि वो किस चीज़ से मिलकर बना है, पदार्थों का संगठन यानी कि उनका निर्माण किस चीज़ से होता है, पदार्थों के क्या क्या गुण होते हैं उनका अध्ययन करते हैं हम, उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, राइट। उनके रासायनिक परिवर्तनों का यानी कि उनके परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो, कि वो एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिला दिया जाए या एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ मिला दिया जाए तो वो क्या होगा, उसके बाद में कोई नया केमिकल बनेगा या क्या रिएक्शन होगी, उसमें क्या परिवर्तन होंगे, क्या रासायनिक परिवर्तन होंगे, क्या उसमें भौतिक परिवर्तन होंगे, इन सभी की जो जानकारी है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं,
रसायन विज्ञान के। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे रसायन विज्ञान क्या है, कि रसायनों का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाती है। और वास्तविकता क्या है, कि रसायनों का संगठन, कि रसायन यानी कि पदार्थ या द्रव्य बोल सकते हो आप, ठीक है, द्रव्य, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ ही है भैया, सिंपल सी द्रव्य बोलो, पदार्थ बोलो। तो यानी पदार्थों का संगठन, पदार्थों का निर्माण कैसे होता है, पदार्थों के गुण। तो विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, पदार्थों के निर्माण की विधियां, पदार्थों के गुणों तथा पदार्थों के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान की उस शाखा को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो इसको संक्षेप में क्या बोल सकते हैं हम, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के निर्माण, पदार्थों के गुणों, कॉमा, पदार्थों के परिवर्तनों और पदार्थ के पदार्थ की पदार्थों की संरचना, संरचनाओं तथा पदार्थों की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है, ये तो इसकी मतलब जो परिभाषा हो गई कि आपका लिखना कैसे है, लेकिन वास्तव में यदि हम दैनिक जीवन के हिसाब से पूछे तो कोई भी पदार्थ है, जैसे रोटी बन रही है, वो किस तरीके से बन रही है, उसमें ऐसा क्या हो रहा है, कोई पदार्थ है कि हमने भैया सोने में चांदी मिला दिया तो क्या बनेगा, एक नया पदार्थ का निर्माण होगा, तो वो किसके अंतर्गत होगा, उसका अध्ययन करना, वही आपका क्या कहलाएगी, केमिस्ट्री कहलाएगी, वही आपकी रसायन विज्ञान कहलाएगी। किसी एक पदार्थ में हम दूसरा पदार्थ मिला देंगे, जैसे कि हमने यानी पानी लिया, पानी में चीनी घोल दी, नमक घोल दिया, उसमें नींबू डाल दिया, तो वो बनने के बाद में क्या बनेगा, एक नया पदार्थ क्या बनेगा, वो मिक्सचर क्या रहेगा, उसके क्या प्रॉपर्टी रहेंगी, उसके बारे में उसकी क्या गुण रहेंगे, जैसे कि भैया नमक है तो नमक के अपने आप में अलग प्रॉपर्टीज होंगी, चीनी है तो चीनी की अलग प्रॉपर्टी होंगी, पानी है पानी की अलग प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया जाएगा तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होंगी, उन सभी का अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान कहलाएगा। ओके, रसायन विज्ञान खत्म, बस इतना ही है रसायन विज्ञान के बारे में। अब बात करेंगे हम आगे रसायन विज्ञान के इतिहास के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक है, इसको कवर करते हैं जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले। अब आ जाते हैं ऋषियों के बाद में, जहाँ से वैज्ञानिकों का स्टार्ट होता है रसायन विज्ञान में कदम, तो वो है स्टार्ट यहाँ से, कि वर्तमान समय में अभ्युदय यानी कि रसायन विज्ञान का उदय जो माना जाता है वो रसायनज्ञों के कार्य से हुआ, यानी कि रसायन विज्ञान का जो उदय माना गया है वो रसायन विज्ञान के वैज्ञानिकों द्वारा है। रसायन विज्ञान के वैज्ञानिकों को क्या नाम दिया है, रसायनज्ञों, ठीक है, जैसे कि गणित का वैज्ञानिक होगा उसको गणितज्ञ बोलते हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर रसायन विज्ञान का जो वैज्ञानिक होंगे उनको क्या बोला, रसायनज्ञों। तो रसायनज्ञों के कार्य से हुआ है वैज्ञानिक यानी रसायन विज्ञान का उदय, ये माना जाता है, यानी आधुनिक रसायन विज्ञान का उदय रसायनज्ञों के कार्य से माना गया है। चलिएगा, तो ये समझ में आ गया। यहाँ से बाद में देखिएगा, रसायन क्षेत्र में प्रथम अर्थपूर्ण योगदान किसका रहा, तो रसायन विज्ञान में जो प्रथम योगदान है, अर्थपूर्ण योगदान या अर्थपूर्ण कदम कब उठाया गया, 350 से 1500 ईस्वी में। अब देखिए, ये ईसा पूर्व नहीं है, देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर ईसा मसीह
ईसा मसीह का जो जन्म है वहाँ पर हम जीरो मानते हैं, उससे पीछे को बोलते हैं कि यहाँ पर ईसा मसीह के 2 वर्ष पूर्व यानी यहाँ पर, ईसा मसीह के 10 वर्ष पूर्व यानी कि यहाँ पर, ईसा मसीह के 100 वर्ष पूर्व यानी कि यहाँ पर, इस तरीके से। और ईसा मसीह के बाद का समय कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे चल रही है अब 2021, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है यानी कि अब से, यदि अब से बात करी जाए यानी ईसा मसीह के 300 वर्ष बाद, 300 वर्ष बाद और 1500 वर्ष बाद, तो 300 वर्ष और 1500 वर्ष बाद के जो बीच का समय था उस समय में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, यानी कि इसमें 300 के बाद की बात है, वैसे ये काल लिखा गया है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम अर्थपूर्ण कदम कब उठाया गया, 350 ईस्वी में, तो सीधे सीधे 350 ईस्वी लिख लो, 350 ईस्वी लिख लीजिए, ठीक है, कब उठाया गया, 350 ईस्वी में, 350 ईस्वी भाई किसने उठाया ये कदम, तो ये कदम थे अल्केमिस्ट, क्या नाम था, अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट के द्वारा उठाया गया। अब भाई ये वैज्ञानिक ऐसा क्या किया इन्होंने, तो ये एक सनकी वैज्ञानिक थे जिनकी इच्छा थी, जो अपने आप को जवान रखना चाहते थे और अपनी खोज कर रहे थे अमृत की, अमृत पाने की इच्छा रख रहे थे, और एक पारस पत्थर, दुनिया का सबसे यानी कि यंग आदमी और सबसे पैसे वाला आदमी, यानी पैसे इसलिए ताकि उनको स्वर्ण प्राप्त हो, पारस पत्थर एक ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जो किसी लोहा पीतल कॉपर की वस्तुओं को स्वर्ण में बदलने की क्षमता रखती है, तो उसको बोला गया है पारस पत्थर। और अमृत यानी कि जो इंसानी शरीर को हमेशा अमर कर दे, मरे नहीं, हमेशा नौजवान रखे, हमेशा उसको यंग रखे, उस चीज़ को बोला गया अमृत। तो वो दो चीज़ों की इच्छा रख रहे थे और इसी के चलते वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, ये अल्केमिस्ट नाम के वैज्ञानिक। और इन्होंने किया भी ऐसा ही, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी क्रियाएं की, बहुत सारे उपकरण का निर्माण किया, इसीलिए इनका बहुत बड़ा योगदान है रसायन विज्ञान के उदय में, राइट। तो रसायन विज्ञान के इस इन्होंने क्या किया, विभिन्न उपकरणों तथा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का इन्होंने आविष्कार किया, किन्ने, अल्केमिस्ट ने, ये कर रसायन विज्ञान के लिए नहीं कर रहे थे, ये अपने लिए कर रहे थे, अमृत पाने के लिए कर रहे थे, पारस पत्थर पाने के लिए कर रहे थे, लेकिन होता गया भाई। अब सीधे सीधी बात है, जिस तरीके से अंग्रेज आए थे भारत में, भारत को लूटने के लिए लेकर आए ट्रेन, अभी वो ट्रेन हमारे फायदे के लिए यूज हो रही है, उसी तरीके से भाई ये कर तो रहे थे अपने लिए उपकरण, और बहुत सारी इन्होंने क्रियाएं बनाई, इनमें 2-3 क्रियाएं मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी क्रिया, एक ये कि पारे द्वारा स्वर्ण का निष्कासन इन्होंने किया, और एक क्रिया करी काष्ठिक क्षारों से, काष्ठिक क्षारों का निर्माण भी इन्होंने ही किया। ऐसे ही बहुत सारी क्रियाएं का आविष्कार इन्होंने किया, बहुत सारे उपकरणों का आविष्कार इन्होंने किया। फिर इसके बाद में एक समय आता है 1500 यानी 300 से ये काम चला, 1500 तक ये ख़त्म हो गए, उसके बाद में और भी इन पर चलता रहा। इसके बाद में फिर 1500 से 1600 ईस्वी का समय आता है, 1500 से 1600 ईस्वी का जो समय है, 15वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का जो समय है, समय अवधि है, उसको बोलते हैं हम लेटरो रसायन काल। क्या बोलते हैं, लेटरो रसायन काल। तो आपसे कभी पूछ ले कोई कम्पिटेटिव में आ जाए लेटरो रसायन काल की समय अवधि बताइए, तो आप लिखोगे 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी, यानी कि 1500 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक का जो समय था, ये समय आपका कहलाता है लेटरो रसायन काल। ओके, देन इसके बाद में आता है आपका रसायन अवधि। इस अवधि में भाई इसको, इस अवधि में ऐसा क्या हुआ था, इस अवधि में क्या हुआ था, गैसों का अध्ययन यानी गैसों का बहुत हाईली अध्ययन किया गया था इस काल में, गैसों का अध्ययन, जैसे कि इसी काल में आए थे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैसों के जो गैसीय नियम है वो इसी काल में आए थे और इसी काल में गैसों का अध्ययन हुआ था। चलिए, तो अब आते हैं, फिर आता है ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट स्टॉल, ऑनेस्ट स्टॉल ने भाई क्या किया था, ये ऑनेस्ट स्टॉल एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1660 से 1734 में क्या किया था, इन्होंने एक अपना 1660 में एक सिद्धांत दिया था जो कि 1734 तक रहा और भी आगे तक, अब तक भी पढ़ते हैं उसको, राइट। तो ये थे फिलोजिस्टन सिद्धांत दिया इन्होंने। फिलोजिस्टन सिद्धांत में बहुत सारे विवाद थे, फिलोजिस्टन सिद्धांत में क्या थे, बहुत सारे इसमें
विवाद थे, तो ये विवाद वाला सिद्धांत भी बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विवाद थे। फिलोजिस्टन सिद्धांत में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और इसीलिए इस सिद्धांत के कारण ही ये सिद्धांत लगभग 100 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। ये जो फिलोजिस्टन सिद्धांत है ये 100 वर्षों तक रहा था। फिलोजिस्टन सिद्धांत किसने दिया था? ऑर्नेस्ट स्टॉल ने दिया था। और ये 100 वर्षों तक रहा तो भैया इसमें क्या ऐसी क्या चीज़ थी? इसीलिए क्योंकि ये 100 वर्षों तक रहा तो इस काल को हम, इस 100 वर्ष के जो काल है लगभग, इसको हम फिलोजिस्टन काल भी कहते हैं। इसी को फिलोजिस्टन काल कहते हैं क्योंकि इसमें फिलोजिस्टन सिद्धांत आया था। ये बहुत ज़्यादा विवाद वाला था लेकिन इसी सिद्धांत के कारण इस काल को हम फिलोजिस्टन काल कहते हैं रसायन विज्ञान में। फिर देन उसके बाद में ये 1734 आई, 1734 के बाद में 1800 शताब्दी आई। 1800 शताब्दी का अंत हुआ। 1800 शताब्दी का जैसे ही अंत हुआ और 1800 शताब्दी के अंत से जैसे ही जो काल स्टार्ट हुआ, 19वीं शताब्दी का जैसे ही काल स्टार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं आधुनिक काल, उसी को बोलते हैं रसायन विज्ञान का आधुनिक काल। और आधुनिक काल में याद रखना, आधुनिक काल के पिता यानी कि आधुनिक रसायन के पिता किसको कहा जाता है? लेवासियर। लेवासियर, कोई लेवोसियर बोलता है, लेवोसियर कोई लेवोजियर बोलता है, तो ये लेवोसियर इनका नाम है, ठीक है, लेवोसियर। तो लेवोसियर को हम आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। और इसी अवधि में यहाँ पर 1734 अवधि में यानी कि इस 34 के बाद में 1734 अवधि में क्या हुआ था? ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। और ऑक्सीजन का आविष्कार भी किसने किया था? प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था, यानी कि ऑक्सीजन इन्होंने लैब में प्रतिपादित की थी। तो ये थे लैब में बनाने वाले पहले वैज्ञानिक जिन्होंने ऑक्सीजन का निर्माण किया था, जो थे 1774 में प्रिस्टले। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता, आगे सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ से बाद में अब आधुनिक काल में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, 1800 से लेकर 1900 अब तक की बातें करेंगे, थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री थोड़ी सी और जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, सभी इनके नोट्स बनाते रहना, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल पॉइंट हैं। चलिए, तो अब आ जाते हैं अपने आगे की बातों पर। और ये लास्ट बातें हैं, ये कुछ जैसे ही 18वीं शताब्दी के बाद में तो जैसे कि क्रांति आ गई हो रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो ये कुछ महत्वपूर्ण खोजें हैं, जैसे कि 1803 में डाल्टन ने परमाणु को खोज कर दी। देन उसके बाद में 1869 में मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बना दी। और आवर्त सारणी आने के बाद में तो ये समझ लीजिए रसायन के क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति आ गई। तो ये माना जाता है कि भैया क्रांति, रसायन क्षेत्र में क्रांति का जो समय था वो समय अवधि क्या थी? तो आप कहोगे 1869। वह तो समय समय पर क्रांति आती रही है लेकिन इस पर तो एकदम बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें तत्वों के सारे गुणों को उनमें रख दिया, क्योंकि सारी चीज़ें रसायन विज्ञान की आवर्त सारणी से ही बात बनती है आगे, कब कौन से तत्व को कहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो ये आवर्त सारणी अपने आप में एक अहम भूमिका रखती है तत्वों के वर्गीकरण के लिए। तत्वों का जब तक वर्गीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि इसी में कि धातुएं अलग, अधातु अलग, इस तरीके से जो परिवर्तित आवर्त सारणी, फिर बहुत सा आवर्त सारणी भी समय समय पर चेंज हुई है। तो आवर्त सारणी तो एक प्रकार से इसमें क्या कर दिया था? क्रांति ला दी, ठीक है। चलिए, फिर देन उसके बाद में ये देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है वो ये है, क्या है कि 1886 में गोल्डस्टीन ने क्या किया था? प्रोटॉन की खोज की थी। लेकिन आप याद कर लेते हो ईंट पर नाच, कि भैया प्रोटॉन की खोज तो रदरफोर्ड ने की थी। तो बेटा ऐसा याद रखिएगा, जो रदरफोर्ड थे ना, रदरफोर्ड की मानी जाती है इसकी जो सन था, इन्होंने 1919 में बताया था प्रोटॉन के बारे में। हुआ क्या, जस्ट सपोज दैट कि मैं हूँ भाई, ऐसे समझो, चलो मैं तुम्हें वैसे समझाता हूँ कि एक राम है और यहाँ पर है श्याम। राम किसी काम को करता है, राम ऐसे समझो, राम एक मकान बना रहा है यहाँ पर, बिल्कुल जीरो लेवल समझा रहा हूँ। इसने नीम खोदी और बताया कि यहाँ पर एक कमरा बनेगा, यहाँ पर किचन बनेगी, और इसने एक नक्शा बना दिया और उसकी बाउंड्री भर दी, और बाउंड्री भरने के बाद में काम चला और आधा बना, वो पटा नहीं घर, घर पटा नहीं। अब वो राम को कोई प्रॉब्लम आ गई, इसने ये मकान बनाना छोड़ दिया। अब आए भाई साहब श्याम, अब श्याम ने वो मकान देखा और उस पर क्या बोले कि भाई
हम बना दें इसको, बोले कि बना दो भाई, राम ने कह दिया से हम तुम बना दें। अब राम ने जैसे ये बनाया, क्योंकि वहीं पर किचन भी वही रखी, सारा कुछ वही रखा, और जैसे ये बन के तैयार हो गया, उस पर पुताई वगैरह करवा के एकदम बेहतरीन बना के गेट वेट लगा के और सीधे सीधे जाके अपनी नेम प्लेट चिपका दी इस पर, इस मकान पर। तो वास्तव में ये मकान किसका हुआ, वास्तव में ये मकान किसका हुआ, आप कहोगे राम का। तो वही काम यहाँ पर हुआ है, जो पहले जो धनात्मक कण की जो खोज की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन बाद में आगे चल के उसका नामकरण किसने कर दिया, रदरफोर्ड ने कर दिया। वही चीज़ उन्हीं नोट्सों को आगे स्टडी किया, क्योंकि इन्होंने वो आगे जो रिसर्च करना छोड़ दिया था, तो उसकी रिसर्च को आगे रदरफोर्ड ने आगे बढ़ाया और उस पर नाम दे दिया कि भैया मैंने खोज कर ली प्रोटॉन की। लेकिन वास्तव में ये खोज किसकी थी, वास्तव में ये खोज डिस्टेंस की थी। अब टिक मार्क प्रश्न आएगा तो वहां पर आएगा प्रोटॉन की खोज, तो टिक मार्क के प्रश्नों में गोल्डस्टीन ही आपका देता है, लेकिन जहां कहीं पे गोल्डस्टीन ना दे रखा हो तो वहां पर रदरफोर्ड लगाना है। को दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे, या तो रदरफोर्ड लगाओ या गोल्डस्टीन लगाओ। तो वास्तव में देखिए ना, गोल्डस्टीन ने कब 1886 में कर दी थी, उसके कितने वर्ष बाद आए थे रदरफोर्ड, तो 1886 में ही इन्होंने बता दिया था कि भैया ये चीज है प्रोटॉन। लेकिन बाद में जो नाम इनका इसलिए चला था क्योंकि इन्होंने आगे उसको और बढ़ाया। ठीक है, चलिए और इसके ऊपर आगे डिस्कस करूंगा मैं बहुत विस्तृत से, अभी तो हिस्ट्री चल रही है, थोड़ा थोड़ा पढ़ ले। 1896 में टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, 1913 में मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की, 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, और 1913 में नील बोहर ने परमाणु मॉडल दिया, नील्स परमाणु मॉडल। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, यानी कि बोर परमाणु, बोर का परमाणु मॉडल अपने आप में अहम मॉडल था ये, राइट। फिर उसके बाद में समय आ जाता है आपका 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी को तो भाई साहब स्वर्ण काल, रसायन विज्ञान का स्वर्ण काल कहा जाता है। और अब जो समय आने वाला, रसायन विज्ञान में इतनी खोजें हो गई हैं, इतनी खोजें हो गई हैं बहुत ज़्यादा, और अब तो आपको पता ही है जैसे कोरोना चल रहा है, तो भैया कोरोना तो एक प्रकार की ऐसा अमर, जैसे ऐसा लगता है जैसे अमरता का वरदान लेकर आया हो, और मतलब इसका कोई इलाज ही ना मिला। लेकिन अब रसायन विज्ञान की हेल्प से, क्योंकि ये जो जितने भी दवाएं होती हैं, ये सब ड्रग्स जो होती हैं, ये सब केमिकल्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें रसायन विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो भाई साहब रसायन विज्ञान में इसका भी खोज हो चुकी है, और आपको पता ही है बहुत सारी वैक्सीन आ गई हैं कोरोना वायरस की, तो वो लग रही हैं, तो और भी, और आने वाले समय में और भी आएंगी और पूरी तरह से कोरोना ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये रसायन विज्ञान का स्वर्ण काल है। कुछ चीज़ें आ जाती हैं चैलेंजिंग, तो ये कोरोना वैक्सीन एक प्रकार की चैलेंजिंग ही थी हमारे साइंटिस्टों के लिए, लेकिन कोई नहीं, ये समय भी गुजरेगा और फिर से खुशहाली आएगी, डोंट वरी, चलेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं अपने, देख लीजिए रसायन विज्ञान का इतिहास इतना हो गया। भाई वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, राइट। तो ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाता है लिखने में, क्योंकि इन चीज़ों को मैं बहुत डीपली में लिखता नहीं हूँ, तो मैं और ज़्यादा डीप में चला जाता हूँ, डीप में ना जाने के लिए ही मैंने ये कर दिया है। अब आते हैं सीधे सीधे रसायन विज्ञान की शाखाओं के ऊपर। फिर रसायन विज्ञान की शाखाएँ, द्रव्य, और फिर द्रव्य का वर्गीकरण, ये सारा कुछ करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिकों पर। अब है आपका रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की बहुत शाखाएं होती हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और आपका फॉरेंसिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये बहुत सारी केमिस्ट्री हैं। इनका हिंदी में नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये देखिएगा, जैसे कि अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, रसायन सभी में जोड़ देना, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषिक रसायन, जीव रसायन, कृषि रसायन, औषधीय रसायन, औद्योगिक रसायन, और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी, ठीक है। ये सभी क्या है, रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं। चलिएगा अब इसके बाद में रसायन, देखिए रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान का इतिहास, रसायन विज्ञान की शाखाएं खत्म हो गई। अब आता है आपका द्रव्य क्या होता है। द्रव्य, द्रव्य ऐसा समझिए हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है
वो दो चीज़ों से मिलकर बना है केवल, एक द्रव्य और एक ऊर्जा। तो द्रव्य और ऊर्जा क्या होती है भाई? द्रव्य यानी कि वो सारी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जो कुछ ना कुछ यानी कि जिसको हम छू कर देख कर महसूस करके यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों, पांच ज्ञानेंद्रियों होती हैं उनके द्वारा चख कर, ठीक है, हाथ से टटोल कर, मतलब कुल मिला के ऐसा समझिएगा द्रव्य क्या है। द्रव्य वो सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता चल गया ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा। तो ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य क्या है? वो सारी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, जिनका जो जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हो, वो सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं, राइट। अब फिर ऊर्जा क्या है? ऊर्जा को हम देख नहीं सकते, इसको केवल महसूस कर सकते हैं, इसका केवल हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा, वैद्युत धारा, ये सभी क्या हैं? ऊर्जा हैं, राइट। प्रकाश जो होता है ये एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। तो ये है। तो अब नॉर्मली फिर द्रव्य को हम ऐसे तो लिख नहीं सकते कि जो चीज़ें हम जिनको हम छू सकते हैं, हैं, लेकिन परिभाषा देखिएगा ये लिख रही है द्रव्य वह वस्तु है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा जिसमें कुछ आयतन होता है। तो दो चीज़ें हैं द्रव्य की प्रॉपर्टी में, द्रव्यमान होगा और उसमें कुछ ना कुछ आयतन होगा और ज़रूर होगा। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ ना कुछ आयतन हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। चलिए अब ऊर्जा तो आपको पता ही चल गया भैया, ऊर्जा जैसे कि प्रकाश है, ठीक है, आपका ऊष्मा है और आपका वैद्युत धारा है, आदि और भी बहुत सारे रूप में है ऊर्जा। तो इनको छोड़ो, अभी हम फिजिक्स में पढ़ा देंगे ऊर्जा के बारे में सारा कुछ, फिलहाल यहाँ पर आते हैं केमिस्ट्री है द्रव्य। अब द्रव्य का वर्गीकरण, तो भैया ब्रह्मांड पहले हमने करा, ब्रह्मांड का वर्गीकरण, ब्रह्मांड को दो भागों में बांटते हैं, एक द्रव्य और एक ऊर्जा, राइट। और द्रव्य और ऊर्जा की आपसी संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, इनका आपस में संबंध अध्ययन करते हैं, इनकी आपस में पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। नॉर्मली प्रकृति में होने वाली फिजिक्स एक फ्यूसिस नामक शब्द से लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। तो प्रकृति में होने वाली प्रत्येक घटना का अध्ययन करना ही क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। वो अलग चीज़ें हैं, फिलहाल हम आते हैं अपने द्रव्य के वर्गीकरण पर। तो द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक भौतिक वर्गीकरण, एक रसायन वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या चीज़ आती हैं भैया? भौतिक वर्गीकरण में तुमने केवल इतना पढ़ा होगा, द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण में केवल आपने तीन चीज़ें पढ़ी होंगी कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन मैं आपको द्रव्य की सात अवस्थाएं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर केवल मैं पांच अवस्थाएं लिख रहा हूँ। सबसे पहली अवस्था ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। ये तीन तो आप जानते ही हो, इनके अलावा भी हमारी एक चौथी अवस्था होती है द्रव्य की, फोर्थ स्टेट, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और द्रव्य की एक पाँचवीं अवस्था होती है जिसको हम BEC बोलते हैं, BEC या BEC CS भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर BEC का मतलब होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसर, कंडेंस स्टेट, ठीक है, कंडेंसेट। तो ये कंडेंस स्टेट के लिए लगाया है। वैसे इसका मतलब क्या है? देखिए, दो वैज्ञानिक थे, एक अल्बर्ट आइंस्टीन, कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, के साथ में एक भारत के वैज्ञानिक, और वो भी फिजिक्स के वैज्ञानिक नहीं, ना ही केमिस्ट्री के वैज्ञानिक, वो थे भारत के एक मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ थे, गणित के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। क्या नाम था? सत्येंद्रनाथ बोस, ऐसे समझ लीजिए इनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। याद रखना इस नाम को, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में रख लेना इन्हीं को, सत्येंद्रनाथ बोस। ये गणितज्ञ थे, क्या थे? ये गणितज्ञ थे। कहाँ के थे? भारत के गणितज्ञ थे,
भारत के गणतज्ञ जिन्होंने आइंस्टीन के अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ में काम किया था, और अल्बर्ट आइंस्टीन और इन्होंने ही एक द्रव्य की पांचवी अवस्था के बारे में पता किया था, जिसको इन्होंने नाम दिया था बॉस आइंस्टीन। बॉस का मतलब सत्येंद्रनाथ बॉस हमारे यहाँ के, और ई का मतलब आइंस्टीन, और दूसरे का इसका नाम है कंडेंस्टेट। कंडेंस्टेट ठीक है, कंडेंस्टेट CON कंडेन DEN SATES कंडेंस्टेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंस्टेट। तो इस CS का मतलब, इस CS का मतलब ये C और S इस तरीके से लेते हैं, तो BEC का मतलब बॉस आइंस्टीन कंडेंस्टेट। तो C लगा दो या CS लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे CS एक नहीं होता, CS ऐसे लिखा होता है, तो लेकिन यहाँ पे BEC बोलते हैं मोस्टली। तो ये पांचवी अवस्था होती है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है, सारा कुछ समझेंगे आगे चल के, राइट। चलिए अभी फिलहाल हमारी यहाँ पे बात आ जाती है, रासायनिक वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। भैया द्रव्य का दो तरीके से वर्गीकरण होता है, फिजिकल वर्गीकरण हमने जान लिया, पांच भागों में बांटा गया है। वैसे नॉर्मली यही तीन भागों में बोलते हैं, किताबें तीन भाग लिखती हैं, लेकिन हमने तुम्हें ये एक्स्ट्रा में बताया है, राइट। अब ये आपकी द्रव्य की पांच, द्रव्य को रासायनिक वर्गीकरण कैसे करते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है यानी कि वह पदार्थ जिसको अन्य किसी दूसरे पदार्थ में ना तोड़ा जा सके, अन्य किसी दूसरे पदार्थ में ना विभाजित किया जा सके, उसको शुद्ध पदार्थ कहेंगे भाई। अब शुद्ध पदार्थ भी दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व क्या होता है? तत्व जो शुद्ध पदार्थ का अवयव है उसको बोलते हैं तत्व, यानी शुद्ध पदार्थ जो होता है वो तत्वों से मिलकर बना होता है। तो तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को या बने मिलकर बनी वस्तु को हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। अब भाई तत्व क्या है? अब तत्व समझ लो, तत्व यानी तत्व वह पदार्थ जिसमें केवल एक जैसे परमाणु पाए जाते हैं, केवल एक जैसे परमाणु। जैसे कि मैं कह रहा हूं ये तत्व है भाई हाइड्रोजन, अपने आप में मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, ये तत्व है। ऑक्सीजन ये अपने तत्व है, आयरन लोहा, आयरन सोना चांदी, ये सारी चीजें क्या हैं? तत्व हैं। इनमें एक जैसे परमाणु मिलेंगे, राइट। जैसे कि मैं हाइड्रोजन ले रहा हूं, हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? H2। हाइड्रोजन में कितने? दो परमाणु पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु HH, दो परमाणु पाए जाते हैं। ऑक्सीजन में दो परमाणु पाए जाते हैं, O और O, ऑक्सीजन के दो परमाणु पाए जाते हैं। तो ये परमाणु हैं, और O2 अपने आप में क्या है? एक तत्व है, हाइड्रोजन का तत्व, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है तत्व। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, तीन प्रकार के तत्वों को भी बांटा गया है, धातु अधातु उपधातु। धातु समझ रहे होंगे, जिनमें जो ठोस पाए जाते हैं, धातु, धातु के बारे में समझ लो, धातुएं सभी ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जिसको HG बोलते हैं। HG जो कमरे के ताप पर कैसे द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं, उनमें उनको बजाएंगे एक दूसरे से, धातु को करेंगे, जैसे इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही, उसमें टन टन की आवाज़ आएगी, जैसे लोहे को लोहे से बजाओ, स्टील को स्टील से बजाओ, इनमें एक विशेष प्रकार का साउंड सुनाई देता है। ये विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती हैं, राइट, धातुएं, क्लियर है। अधातु जिनमें कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है, जो ठोस मुलायम बोल सकते हैं, अधातु मुलायम भी हो सकती हैं, ठीक है। अब इनमें वैद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो सकती, इनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। उपधातु जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको उपधातु कहते हैं, जैसे जर्मेनियम। अब यौगिक, यौगिक किस कैसे होते हैं? यौगिक यानी जिसमें दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले हों, एक निश्चित अनुपात द्रव्यमान के हिसाब से एक निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, उनको बोलते हैं हम। दो या दो से अधिक तत्व को या निश्चित अनुपात में मिलाकर बने पदार्थ को हम बोलते हैं यौगिक। जैसे कि H2O, जैसे कि मैं नाम दे रहा हूँ H2O, क्या नाम दे रहा हूँ? H2O। H2 में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें अनुपात है 2:1, ठीक है। हाइड्रोजन इसमें, जैसे कि CH4 मेथेन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात है 1:4, यानी कि एक कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन लिए जाएंगे 4, इसमें हाइड्रोजन 2 लिए जाएंगे तब ऑक्सीजन लिया जाएगा 1, तब बनेगा जल, ठीक है। तो ये यौगिक हैं, अपने आप में यौगिक, ठीक है।
यौगिक भी दो प्रकार के, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जो कार्बनिक का मतलब जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि जैव वस्तुओं से, जैव वस्तुओं से यानी जीवित स्रोत, जीवित स्रोत जैसे कि जंतुएं, जंतुओं और प्लस पेड़ पौधों, यानी कि पौधों बोल देता हूं मैं सीधे सीधे, तो इनसे प्राप्त होने वाले यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। नॉर्मली जो जिनमें कार्बन पाया जाएगा कार्बनिक यौगिक, और मोस्टली ये सभी जीवित जंतुओं से यानी जंतुओं में पाए जाते हैं, जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, पौधों से, पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, वनस्पति, वनस्पतियों, ये वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं, राइट। वनस्पति में पेड़ पौधे आ गए, सभी जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि लैब में बनाए जाते हैं, सभी लैब में लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों को आजकल क्या है, कृत्रिम रूप से हम किसमें, लैब, लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में भी बना लेते हैं, प्रयोगशाला में क्या कर लेते हैं, इनका निर्माण कर लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से कभी पूछ ले आपसे कि ऐसा वो कौन सा यौगिक है जो सबसे पहले लैब में बनाया गया था, ऐसा कार्बनिक यौगिक जो सबसे पहले लैब में बनाया गया था, तो वो है भाई सबसे पहले लैब में बनने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया। क्या नाम है, यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, यूरिया, राइट। किसने बनाया था ये, वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत का इसने खंडन किया था। और इसकी तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है वो भी सुन लीजिए, कि एक मशहूर वैज्ञानिक थे वर्जिलियस, क्या नाम था उनका, एक मशहूर वैज्ञानिक थे वर्जिलियस, वर्जिलियस, और वर्जिलियस ने एक जैव शक्ति सिद्धांत दिया था, क्या दिया था, जैव शक्ति सिद्धांत, वर्जिलियस ने एक जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा था कि जीवों में एक रहस्यमयी शक्ति पाई जाती है, वर्जिलियस ने एक जैव शक्ति सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया था कि जीवों में एक रहस्यमयी शक्ति पाई जाती है जिसको हम लैब में नहीं बना सकते, अर्थात इनका कहना था कि कार्बनिक यौगिकों को हम लैब में नहीं बना सकते, तो इन्होंने सिद्धांत दिया था कि कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। लेकिन इनका ही एक शोधकर्ता छात्र था, इनका ही एक स्टूडेंट था जिसका नाम था बोलहर। तो बोलहर ने भाई साहब लैब में इतनी मेहनत करी, क्योंकि वो शोध करते थे, रिसर्च करते थे, और एक दिन इनकी वर्जिलियस लैब में नहीं आए और इन्होंने शोध करते 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 यूरिया बना लिया। कौन ने बनाया था, वर्जिलियस का ही एक स्टूडेंट था, शोधकर्ता स्टूडेंट यानी शोधकर्ता छात्र जो रिसर्च करता था उनका ही एक स्टूडेंट था, और जिसने क्या किया अपना लैब में, बोलहर ने क्या किया लैब में, क्या बना लिया लैब में, यूरिया का निर्माण कर लिया। और ये दौड़े दौड़े गए, मान लीजिए मैं तुम्हें से कहूँ कि तुम पे ये काम नहीं हो सकता, तुम काम कर लोगे मेरी अनुपस्थिति में, तुम दौड़े दौड़े किसके पास आओगे, मेरे पास आओगे कि सर मैंने, तुम तो ये कह रहे थे तुम पे नहीं होगा, तुमने तो ये कर लिया। या फिर मैं कोई एक थ्योरी बना के रखूं कि भैया कि इस मार्कर को कोई नहीं चला सकता है, और कोई चला ले, मेरा ही स्टूडेंट चला ले, तो वो आएगा दौड़ दौड़, आप तो ये कह रहे थे सर हम नहीं चला सकते, लेकिन आपने तो मार्कर नहीं चला सकते और हमने चला लिया है। तो ऐसे ही वर्जिलियस का ये सिद्धांत था कि भैया मतलब कार्बनिक यौगिकों को लैब में नहीं बना सकते, और इनका ही छात्र था बोलहर, उसने यूरिया बना लिया और दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, वर्जिलियस के पास गया, सर सर मैंने तो, आप तो कहते रहे कि यानी कार्बनिक यौगिकों को लैब में नहीं बना सकते, लेकिन मैंने तो कार्बनिक यौगिक बना लिया, एक कार्बनिक यौगिक बना लिया, यूरिया। अब वर्जिलियस ने देखा और बोला कि ये तो वाकई में, तो उनको उसी समय पर उनकी मृत्यु हो गई थी। आज तक इसका ये नहीं पता कर पाए कि उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, उनका आज तक ये नहीं पता कि भाई उनने, उनको इस बात की खुशी हुई थी कि वर्जी उनका ही शोधकर्ता छात्र ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की कि एक कार्बनिक यौगिक को लैब में बना दिया,
या फिर उनको हार्ट अटैक इस वजह से हुआ होगा कि वो कि उनको ऐसा लगा होगा कि वर्जिलियस उन्होंने एक सिद्धांत दिया जैव शक्ति सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिकों को लैब में नहीं बना सकते, लेकिन उनका ही शोधकर्ता छात्र, उनके ही छात्र ने उस सिद्धांत को खंडित कर दिया और उन्होंने जो वो मानते रहे पूरे जीवन भर वो कहते रहे कि कार्बनिक यौगिकों को लैब में नहीं बना सकते, लेकिन उनके ही छात्र ने कार्बनिक यौगिक को लैब में बना दिया। तो उनको हो सकता है कि इस बात का हार्ट अटैक, इस बात का अफसोस हुआ हो कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, तो इस बात से भी हार्ट अटैक, दुख में और खुशी में दोनों में ही आता है हार्ट अटैक। तो उनकी रिपोर्ट में तो केवल हार्ट अटैक आया था, लेकिन आज तक ये नहीं बता पाए डॉक्टर्स के वो खुशी का हार्ट अटैक था या गम का, बोलते ना दुखी का, दुख इस बात का कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, वो इस बात का भी हो सकता है हार्ट अटैक, या इस बात का हो सकता है खुशी का कि उनका छात्र ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। तो आज तक नहीं पता कर पाए डॉक्टर लोग के वो किस वजह से हुए थे, लेकिन उसी समय उनकी मृत्यु हुई थी जब ये बताया गया था। फिर उसके बाद में वॉलर के बाद में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने और बहुत ज़्यादा मतलब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया, और फिर आज का ये समय आ गया कि प्रत्येक कार्बनिक यौगिक को आप लैब में बना सकते हो, राइट। चलिए फिर आता है आपका कार्बनिक यौगिक हो गया, अकार्बनिक यौगिक यानी कि जो अजीवित वस्तुओं से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है वो अकार्बनिक यौगिक, ठीक है, जैसे कि NaCl हो गया, ठीक है, इस तरीके के। अब आते हैं आपका मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, जैसे कि यौगिक था दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया, तो ऐसे ही दो या दो से अधिक पदार्थों को हम किस में मिला दें, दो या दो से अधिक पदार्थ को हम किसी भी अनुपात में मिला दें, किसी भी अनुपात में मिलाकर बने पदार्थ को हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहते हैं, या दो या दो से अधिक तत्वों को हम किसी भी अनुपात में मिला दें और तो उसको कहेंगे हम क्या, मिश्रण। जैसे कि हमने भाई चीनी ली और हमने नींबू लिया और पानी लिया, भाई चीनी ली उसमें थोड़ी सी मतलब पानी लिया उसमें चीनी डाल दी, थोड़ा सा नींबू डाल दिया, बना के शरबत पी लिया, वो मिश्रण है। अब हर कोई व्यक्ति अपना मिश्रण एक जैसा तो नहीं बनाता होगा, शरबत जिसे बोलते हैं शरबत एक जैसा, कोई चीनी ज़्यादा डाल लेता है, कोई नींबू ज़्यादा डालता है, कोई चीनी कम डालता है, कोई नींबू कम डालता है, हैं इस तरीके से। तो लेकिन जब जल बनेगा, जल तो भैया जल का जो कोई भी साइंटिस्ट बनाए तो जल बनाते समय वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के दो अणु लेगा और ऑक्सीजन का एक अणु ही लेना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं, क्योंकि इसमें निश्चित अनुपात लिया जाता है। लेकिन शरबत बनाते समय अलग अलग साइंटिस्टों को दे दिया जाए तो अलग अलग साइंटिस्ट वह शरबत ही तो बनाना लच्ची नहीं, उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा कि भैया 2 ग्राम चीनी के लिए 4 ग्राम ही पानी डालना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कोई अलग, कोई कम मीठा कोई ज़्यादा मीठा, इस तरीके से। तो किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनेगा उसको मिश्रण कहेंगे। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांग मिश्रण, एक विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण कौन सा होता है, समांग मिश्रण जिसमें जैसे कि चीनी को पानी में घोल दो तो फिर चीनी दिखाई नहीं देती है, नमक को चीनी में घोल दो तो चीनी दिखाई नहीं देगी, हैं, दूध में पानी मिला दो तो दिखाई नहीं देगा। तो मतलब जो दोनों पदार्थ एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिल जाएं, पूर्ण रूप से घुल जाएं, उसको बोलेंगे हम समांग मिश्रण, जिसमें हम दोनों की प्रावस्थाओं को अलग अलग ना देख पाएं। और जैसे कि मान लीजिए पानी में कंकड़ डाल दो, लोहे के टुकड़े डाल दो, तो क्या होगा, पानी में कंकड़ डाल दोगे लोहे के टुकड़े डाल दोगे तो अलग अलग दिखाई देंगे, उनकी प्रावस्थाएं अलग अलग दिखाई देंगी, तो मतलब क्या है वो विषमांग मिश्रण। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये ठोस अवस्था भाई कल से चलाएंगे, क्योंकि ठोस अवस्था का अब समय नहीं रहा, बहुत लंबी वीडियो हो गई है और बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश हंसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।